An Academy. Let's crack it. Hello दोस्तों, welcome to Pathfinder. मैं हूं ऋचा पांडे. I hope you all are doing very well. बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को. रिसेंटली आप सबने देखा होगा, ईरान के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, जिसके के बाद आप देखोगे कि ये एक विवादित मुद्दा अभी भी बना हुआ है. इसमें आप देखोगे कि चाइना अब सामने आई है और चाइना ने ये खुलकर कहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे. क्योंकि आप चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कहीं वो अपने रिलेशंस ईरान के साथ खराब कर रही है. आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे करेंगे चर्चा. चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे और देखते हैं कि आखिरकार चाइना किस किस तरीके की असिस्टेंस या हेल्प जो है वो प्रोवाइड करने वाली है पाकिस्तान को और क्यों प्रोवाइड करने वाली. चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे. चाइना के फॉरेन मिनिस्टर दोस्तों संग वेडोंग, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पे गए हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि इनका मिशन है, क्या है मिशन? मिशन मीडिएशन. दैट मींस कि ये दोनों ही कंट्रीज के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे, सौ समझौता कराने का ये काम करने वाले हैं. जिसमें कि आप देखोगे कि इनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि चाइना जो है वो मेंटेन कर रही है क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों ही कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी. जिसमें कि वो क्या करेगी, जो भी डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रहे हैं, जो भी गैप्स देखने को मिल रही है, उस पर वो ब्रिज फॉर्म करेगी, जिससे कि इनके जो डिफरेंसेस हैं उसको कम किया जा सके. कंस्ट्रक्टिव रोल चाइना यहाँ पे निभा रही है कि जो टेंशन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, उसको कैसे ईज किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अपने जो रिलेशंस हैं उसको अच्छी कर पाए. क्योंकि फिलहाल की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हमें देखने को मिल रहा है. चाइना के ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि एक्सरसाइज रेस्टेन करें, कामनेस एंड अवॉइड करें एस्केलेशन. तो ये स्टेटमेंट जो है आप देखोगे कि जो इस पूरे बातचीत से निकल के आया है कि ये चाहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अपने रिलेशंस को अच्छी करें. क्योंकि दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं तो इस वजह से दोनों कंट्रीज अपने जो टाइज हैं उसको और मजबूत करें, क्योंकि मजबूत करना दोनों ही कंट्रीज के लिए अच्छा होगा और इसके साथ साथ चाइना के लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है. चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है इसको भी हम करेंगे डिस्कस. चाइना का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान और चाइना का ये जो रिलेशन है ना, ये एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर के तौर पे देखने को मिलता है. इस वजह से आप देखोगे कि चाइना भी बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान को जो भी हेल्प चाहिए वो चाइना करने के लिए रेडी है. चाइना ने इवन अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान जो हमेशा से ही अड़ा हुआ रहा है कि वो चाइना के वन चाइना प्रिंसिपल को हमेशा से ही उसने माना है, हमेशा से ही चाइना की तरफ वो रहा है, उसका रुख जो है हमें देखने को मिला है. तो इस बारे में अप्रिशिएशन भी पाकिस्तान को मिली है चाइना से. और इसी के साथ ही चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, जिससे कि वो सेफगार्ड करेगा चाइना की सुब्रानिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसके साथ ही यूनिटी, स्टेबिलिटी और जो डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी है वो भी वो पाकिस्तान में करेगा. तो ये सारी जो असिस्टेंस है, जो हेल्प है, जो सपोर्ट है चाइना की तरफ से पाकिस्तान को देखने को मिल रही है. इस बातचीत के दौरान दोस्तों आप देखोगे कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सईद असीम मुनीर के साथ भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जिसमें कि उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि पाकिस्तान की सुवरेनिटी और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी सेफगार्ड करने वाली है चाइना. इसके साथ आप देखोगे कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि चाइना स्वागत करती है गुड प्रोग्रेस जो कि ईरान और पाकिस्तान में वो करवाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो भी उनके संबंध खराब हुए हैं, जो भी उनकी रिलेशंस जो हैं वो खराब हुई है, तो उसको दोबारा से रिपेयर कर सके और सपोर्ट कर रही हैं दोनों को इन फर्दर एनहांसिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट और फिर उनके कोऑपरेशन जो है उसमें उसको और ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके, उसको और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके थ्रू फ्रेंडली कंसल्टेशन. फ्रेंडली कंसल्टेशन से ये जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है कि चाइना चाह रही है कि पाकिस्तान और ईरान जो है अपने रिलेशंस को क्या करें, मजबूत करें. तो दोस्तों ये जो बातचीत की गई है ये चाइना की तरफ से बोला जा रहा है, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज को बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेशंस जो है उसको मजबूत करें. चाइना आखिरकार ये सारी जो चीजें हैं वो इन दोनों कंट्रीज में क्यों मीडिएटर की तरह काम कर रही है, क्यों समझौता कराने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें चाइना का भी बेनिफिट है. इस वजह से आप देखोगे कि ये चाह रही है कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं ये वापस से हाथ मिला ले और वापस से दोनों कंट्रीज अपनी रिलेशंस को स्ट्रांग कर लें.
वीडियो को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, अब आपको स्पेशल कोड के साथ आप एक्सेस कर पाओगे, RP10 कोड को यूज करिए, फ्लैट 35% का ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट दोस्तों, कोर्सेज देख लीजिए, कई सारे कोर्सेज हैं और कोर्सेज के प्राइस भी यहाँ पे लिखे गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। काउंसलिंग फॉर्म भरना ना भूलिए, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काउंसलिंग फॉर्म में एडुकेटर कोड पूछता है, RP10 का कोड जरूर से जरूर डालें, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट जो कि वीडियो के एंड में मैं हमेशा आपको बताती हूँ जुड़े हुए हैं, तो जरूर से जरूर दोस्तों आप इनको भर दीजिए। नंबर दिया कि इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आपकी एड्रेस करा दी जाएगी। काउंसलिंग फॉर्म भी इसीलिए है कि घर बैठे बैठे अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको दे दी जाएगी। न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो हमारे कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशंस इसके भी, जिसपे कि फ्लैट 35% का ऑफ लगा करके दिया जा रहा है। RP10 को कोड को इसका RP10 कोड को यूज़ करिए और इन जो डिस्काउंट्स हैं उनको अवेल करिए। काफ़ी बैचेस 29 जनवरी से हो रही हैं स्टार्ट, नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 24th ऑफ जनवरी तक ही, ठीक है। मुखर्जी नगर का ये हो गया, फिर करोल बाग में भी आपको कई सारे अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसपे कि फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है। RP10 कोड यूज़ करिए। 27 जनवरी से क्लासेस हमारी ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, ऑफर वैलिड 24th ऑफ जनवरी तक ही है। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज काउंसलिंग फॉर्म को जरूर से भरें। वापस से हम अब चलते हैं अपनी खबर पे। आप देखोगे कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि चाइना जो है वो रेडी है कि वो काम करे पाकिस्तान के लिए। और चाइना क्यों रेडी है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए वो तो आप सभी जानते हैं। इसी के साथ चाइना ने यह भी कहा है कि वो इंप्लीमेंट करना चाहती है जो सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स हैं दोनों ही कंट्रीज के, जो लीडर के बीच में या दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट्स है उसको इंप्लीमेंट भी कराना चाहती है, और चाइना रेडी है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए। आप देखोगे कि पाकिस्तान में चाइना के कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इसी के साथ चाइना ने पाकिस्तान में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी इसमें देखने को मिल रहा है कि इनका वहां पे कितना प्रॉफिट है। इस वजह से ये अभी आपको रुख बदलता हुआ दिख रहा है कि चाइना चाह रही है कि इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं, और चाइना पाकिस्तान को ज्यादा ही ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से आप देखोगे कि चाइना आगे बढ़ करके आ रही है, जहां की आप देखोगे कि कोई भी कंट्री अभी तक ऐसे सामने से नहीं उठ के आई है जिसने की बोला है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, लेकिन चाइना बढ़ के आई है आगे और बोल रही है कि पाकिस्तान के साथ वो काम करने के लिए रेडी है। चाइना ने कहा है कि वो अपने पॉलिटिकल म्यूचुअल इंटरेस्ट को और भी ज्यादा डीप करना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को पाकिस्तान के साथ, अपग्रेड करना चाहती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि आप देखोगे कि ये दोनों ही कंट्रीज के जो लोग हैं वहां पे जो बिजनेसेस हैं वहां पे जितनी भी सारी चीजें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिजनेस परस्पेक्टिव से ले लीजिए अगर आप, या फिर अगर आप ट्रेड परस्पेक्टिव से ले लीजिए, इन सारी चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए आप देखोगे कि ये कॉरिडोर इन दोनों कंट्रीज के बीच में बनाया जा रहा है। एक्सिलरेट किया जा सके, तेजी से बढ़ाया जा सके बिल्डिंग ऑफ अ क्लोजर चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर इन द न्यू नए एरा में, जो पाकिस्तान और चाइना का जो कम्युनिटी है उसको बनाया जा सके, जिससे कि उनका फ्यूचर जो है वो शेयर कर पाए। इसी के साथ दोस्तों आप देखोगे कि चाइना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कि $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो प्रोजेक्ट है उस पर चाइना ने लगाया है, जिसपे कि आप देखोगे कि इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया था। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है, ये जो टेरिटरी है जिसपे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात की जा रही है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरिटरी पे बनाने की बातचीत की जा रही है, जिसके की वजह से आप देखोगे कि इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया है, इंडिया इसके अगेंस्ट है। इसी के साथ आप देखोगे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये भी बोला गया है कि वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद ईरान एंड पाकिस्तान, जिससे कि वो स्ट्रेंथन करे म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के साथ और सेफगार्ड करे रीजनल पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चाइना का ये उद्देश्य है कि दोनों ही कंट्रीज के साथ वो लगी रहे, दोनों ही कंट्रीज को ऐसे हेल्प करते रहे वो, जिसके की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो मुकम्मल हो पाए। दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉफिट है वो सक्सेसफुल हो पाए, इस वजह से ये जो आप देख रहे हो दोनों के बीच में रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, दोनों की रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि चाइना का क्या मकसद है, इसी में आप देखोगे कि चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, जिसमें कि चाइना की तरफ से आप देखोगे बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में किए गए हैं, और वहां पे ही आप देखोगे ईरान के द्वारा एयर स्ट्राइक जो है वो किया गया था। तो इस वजह से चाइना और भी ज्यादा कंसर्न है कि कहीं ईरान फिर से ना एयर स्ट्राइक करे, जिसके की वजह से चाइना का जो वहां पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस पे
इफेक्ट देखने को मिले। इस वजह से आप देखोगे कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो बातचीत कर रही है कि इनका सुलझाव हो जाए और फिर ईरान जो है वो ऐसा कदम आगे फ्यूचर में ना उठाए जिसके की वजह से इनका जो बचा हुआ या रुका हुआ प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ग्वादर पोर्ट जो कि आपको आपको चाइना के बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहां पे देखने को मिलेगा वो बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चल ही रहा है जो कि कनेक्ट करेगा चाइना के जिंगजांग प्रोविंस और पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान प्रोविंस से। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख रहे हो दोस्तों बहुत ही बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो टाइज को डेवलप करने की बात की जा रही है, मजबूत करने की बात की जा रही है, चाइना की तरफ से की जा रही है। सो आई होप कि आपको ये जो खबर है इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको हमारे जो क्रैश कोर्स आप सबके लिए करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर में लाए जा रहे हैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये दोस्तों ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, इसको प्रॉपरली देख लें, जिसपे कि सीसैट का क्रैश कोर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। 29 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, जिसका कि कोर्स प्राइस 20,000 है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आप सबके लिए लेकर के आया जा रहा है जनवरी 22 से, जिसका कि कोर्स फी है 25,000। खुद को जल्द से जल्द हमारे इन कोर्सेज में एनरोल करा लीजिए क्योंकि क्रैश कोर्स आ चुके हैं, एग्जाम भी पास आ रही है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आते हैं। फ्री डेमो क्लासेस आपको दिए जाएंगे, ऑफलाइन करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो भी आपके लिए कंडक्ट कराई जाएगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिलेगी, एडुकेटर के द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशन जिसमें वन ऑन वन क्वेश्चन कर सकते हैं आप, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी, वाईफाई का जो फैसिलिटी है वो भी हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको मिलेंगी। तो खुद को जल्द से जल्द करवा लीजिए एनरोल हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें, इसी के साथ कॉमेंट करके अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारे अपकमिंग अपडेट्स आपको तभी मिल पाएंगे। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.